हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एम्बिगुइटी स्किल के मॉड्यूल 1 के टॉपिक इंग्लिश लिटरेचरी से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पढ़ाऊंगी, जो आपको आईटीआई की सभी ट्रेड की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में मदद करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखें और नोट्स ज़रूर बनाएं। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन इज ए डू नॉट डिस्कशन एडिकेट्स, कौन सा डू नॉट चर्चा शिष्टाचार का है? ऑप्शन ए बी ओपन माइंडेड, बी यूज मॉडरेट टोन, सी लिसन टू अदर्स, डी आर्ग्यू अननेसेसरी। करेक्ट इज डी, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचना। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन इज ए कॉर्डिनल नंबर, कॉर्डिनल नंबर कौन सा है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 5th, ऑप्शन सी 7th, ऑप्शन डी 11th। न्यूमेरिकल डिजिट इज कॉर्डिनल नंबर, तो करेक्ट आंसर इज ए 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच वन इज ए कॉर्डिनल नंबर, ऑप्शन ए 10th, ऑप्शन बी 2nd, ऑप्शन सी 4th, ऑप्शन डी 3। तो न्यूमेरिकल डिजिट इज डी 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच वन इज ए कॉर्डिनल नंबर, ऑप्शन ए 4th, ऑप्शन बी 10th, ऑप्शन सी 1st, ऑप्शन डी 1। तो करेक्ट इज डी 1 इज न्यूमेरिकल डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच वन इज ए कॉर्डिनल नंबर, कॉर्डिनल नंबर कौन सा है? ऑप्शन ए 1, बी 5th, सी 8th, डी 2nd। तो करेक्ट इज ए 1 ए न्यूमेरिकल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच वन इज एन एक्सामेंट्री सेंटेंस, विस्मयबोधक वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इज इट, बी इट इज ए ब्यूटीफुल हाउस, सी इज इट ए ब्यूटीफुल हाउस, डी योर हाउस इज ब्यूटीफुल। करेक्ट इज ए व्हाट इज ए ब्यूटीफुल हाउस इज विस्मयबोधक सिंबल्स यूज इन एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच वन इज इन एक्टिव वॉइस, कौन सक्रिय आवाज में है? ऑप्शन ए राम हैज पास्ड द एग्जाम, बी द बॉल वॉज कैच बाय हिम, सी द बुक वॉज बींग रीड बाय ही, डी वी वर ड्राइवन होम बाय डैड। करेक्ट इज ए राम हैज पास्ड द एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच वन इज इन पैसिव वॉइस, निष्क्रिय आवाज में कौन सा है? ऑप्शन ए मोहन इज पेंटिंग ए हाउस, बी सी वाज रीडिंग ए बुक, सी हर
birthday was celebrated by us. D. I have seen that movie. Correct is C. Her birthday was celebrated by us. Next question number 35. Which one is not a conjunction? कौन सा एक संयोजन नहीं है? Option A. And B. Or C. But D. On. तो correct is D. On. And or but are conjunction. Next question number 36. Which one is not a benefit of the role playing? भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? ऑप्शन ए बिल्ड कॉन्फिडेंस, बी डेवलप्स लिसनिंग स्किल्स, सी डेवलप्स क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डी डेवलप बोर्डम. करेक्ट इज डी बोरियत विकसित करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. Which one is not a vowel? कौन सा एक स्वर नहीं है? Option A B E C F D I. Correct is F. A E I O U. 5 vowels होते हैं. तो correct is C. Next question number 38. Which one of the following is a good office etiquette? निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? Option A. One should dress formally. B. One should not be punctual to work. C. One should have fancy mobile ringtone. D. One should little one workplace. Correct answer is A. One should dress formally. औपचारिक रूप से कपड़े पहनना चाहिए. Next question number 39. Word that is pronounced the same as another word but differ in meaning is called. वह शब्द जिसका उच्चारण दूसरे शब्द के समान ही होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता या कहलाता है. Option A. Homophone. Option B. Homograph. Option C. Diphthong. C. Syllable. Correct is homophone. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए. थैंक यू.